बॉम्बे हाईकोर्ट के आज के फैसले से ये साफ हो गया है कि अब शिवाजी पार्क में शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के ही दशहरा रैली होगी। दिन भर चली सुनवाई में अदालत ने फैसला दिया और ये कहा कि 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक के लिए मैदान शिवसेना को दिया जाएगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। महाराष्ट्र में साजिश के तहत सत्ता हथियाने वाले शिंदे गुट को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जोरदार झटका दिया है और उद्धव ठाकरे के गुट की बड़ी जीत यहां हुई है। आप सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में शिंदे ने, एकनाथ शिंदे ने क्या खेल किया था, भाजपा के सहारे मिलकर शिवसेना के विधायकों को तोड़ने फोड़ने का काम किया, पैसे के जरिए खरीद फरोख्त की कोशिश कर वहां पर उद्धव ठाकरे को कमजोर किया गया। लेकिन उद्धव ठाकरे कमजोर होने वाले शख्सियत में से नहीं है, लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। असली शिवसेना किसकी है इसको लेकर अभी भी मामला सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है और चुनाव आयोग में भी चल रहा है। तय होना बाकी है कि शिवसेना किसकी है, लेकिन शिवसेना के नाम पर महाराष्ट्र में जो साजिश लगातार रची जा रही है शिंदे गुट के द्वारा, उस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है शिंदे गुट को। दरअसल पूरा मामला दशहरा रैली से जुड़ा हुआ है और इस रैली को करने के लिए हर साल शिवाजी पार्क में बड़ा आयोजन किया जाता है। शिवसेना की तरफ से हर साल अनुमति बीएमसी की तरफ से मिल जाती थी, क्योंकि यह आयोजन 1966 से लगातार चलता आ रहा है। तो इसमें शिवसेना को ही यह अनुमति 50 सालों से अधिक समय से लगातार मिलती रही है। लेकिन इस बार शिवसेना में 2 गुट हो गए, जो शिंदे गुट है उसने भी बीएमसी के पास आवेदन लगा दिया था। और इधर शिवसेना की तरफ से भी, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, बाल ठाकरे की शिवसेना है, उसके तरफ से भी आवेदन गया था। लेकिन बीएमसी सरकार के दबाव में आकर अपने फैसले जो है वो पहले रिजर्व रखी, लेकिन भाजपाइयों और शिंदे गुट के सरकार के दबाव में आकर बीएमसी ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को वहां पर अनुमति देने से मना कर दिया। इसके बाद शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, असली शिवसेना जो है वह पहुंच गई बॉम्बे हाईकोर्ट। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई की और बीएमसी के डबल स्टैंडर्ड को हाईकोर्ट ने पकड़ लिया। बीएमसी को कड़ी फटकार पड़ी, बृहन मुंबई महानगर पालिका जो है कड़ी फटकार लगी और फैसला जो है वह शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के हक में हाईकोर्ट ने दिया और कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी आपकी होगी। उद्धव ठाकरे 2 से 6 अक्टूबर तक शिवाजी पार्क में जो है गर्जना करेंगे, दशहरा रैली होगी और वहां पर एकनाथ शिंदे को भी करारा जवाब मिल जाएगा। हाईकोर्ट की तरफ से जोरदार झटका तो लग ही गया है। हम आपको बताते हैं कि कोर्ट में किसने क्या दलील दी, उस दलील के आधार पर फिर हाईकोर्ट ने क्या फैसला लिया। लेकिन बीएमसी को कड़ी फटकार लगाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि आपने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप अपने स्क्रीन पर नव भारत टाइम्स का यह स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। इसमें बताया गया है 1966 से दशहरा रैली कर रही शिवसेना दलीलों से हाईकोर्ट में शिंदे पर भारी पड़ा उद्धव खेमा और मिल गया शिवाजी पार्क। खबर भी हम आपको पढ़ के सुनाते हैं थोड़ा, कि उसमें जो जानकारी दी गई है किस बेंच में यह सुनवाई हुई और कैसे अनुमति दी गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना को मध्य मुंबई में स्थित शिवाजी पार्क में 5 अक्टूबर को वार्षिक दशहरा रैली के आयोजन की अनुमति शुक्रवार को दे दी है। जस्टिस आरडी धनुका और जस्टिस कमल खाटा की बेंच ने ठाकरे नित शिवसेना गुट और उसके सचिव अनिल देसाई की ओर से बृहन मुंबई महानगर पालिका बीएमसी के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को अनुमति दे दी। दरअसल बीएमसी ने शिवसेना को शिवाजी पार्क में वार्षिक दशहरा रैली करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि बीएमसी का आदेश स्पष्ट रूप से कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है, यानी अपनी शक्ति का बीएमसी ने भरपूर दुरुपयोग किया और शिवाजी पार्क में शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को दशहरा रैली करने की अनुमति नहीं दी। अब मामला दरअसल है क्या, बीएमसी सरकार के नियंत्रण में काम कर रही है तो जाहिर तौर पर यह भाजपाइयों की हुकूमत है, एकनाथ शिंदे तो पपेट के रूप में काम करते हैं, ऐसा आरोप लगता रहा है, मुखौटा है। तो इन लोगों ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ साजिश शुरू कर दी, क्योंकि शिवाजी पार्क में जो रैली होगी उसमें महाराष्ट्र के बहुत सारे लोग आएंगे, मुंबई के लोगों की संख्या काफी अधिक होगी और उसमें उद्धव ठाकरे को या बाल ठाकरे को चाहने वालों की भीड़ भी आएगी।
और वहां पर अगर उद्धव ठाकरे गरजेंगे, लोगों से कनेक्ट होंगे, क्योंकि इन्हें भी पता है, भाजपाइयों को भी पता है और महाराष्ट्र की जनता को भी पता है कि किस साजिश के तहत उद्धव ठाकरे को कमजोर किया गया, शिवसेना में तोड़फोड़ मचाई गई, विधायकों की खरीद फरोख्त की गई। तो जनता जो इस बात को समझती है तो वहां अत्यधिक भीड़ आती, फिर से लोग कनेक्ट होते, इस बात से शायद भाजपा वहां डरी सहमी घबराई दिखाई पड़ने लगी और इसी को लेकर ये लोगों ने साजिश की। बीएमसी पर दबाव डाल दिया गया कि आप जो है फैसला नहीं देंगे, अनुमति नहीं देंगे। दरअसल बीएमसी के पास दोनों गुट की अर्जी आई थी दशहरा रैली की अनुमति मांगने के लिए, शिवाजी पार्क में जो आयोजन होना है। हमेशा से यह बिल्कुल सत्य है कि उद्धव ठाकरे के शिवसेना को ही, जो पहले शिवसेना ही थी, उसे ही अनुमति मिलती रही है, लेकिन इस बार दो गुट बटा तो दोनों ने याचिका डाल दी। बीएमसी चुप्पी साधे बैठा रहा क्योंकि सरकार का दबाव रहा होगा, ऐसा माना जाता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पहले जो अर्जी आई थी वह शिवसेना की आई थी, उद्धव गुट वाली। इतना भारत टाइम्स ने लिखा है कि एसपी चिन्वाय जो बहस कर रहे थे हाईकोर्ट में, उन्होंने कहा कि हमने 22 अगस्त को मैदान के लिए अर्जी दी थी, जबकि सदा सरवणकर जो शिंदे गुट की तरफ से आए थे 30 तारीख को उन्होंने अर्जी दी। वहीं पुलिस की माने तो इस तरफ पुलिस मौजूदा हालात में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का हवाला दे रही है, क्या पिछले 50 सालों से मुंबई शहर में पुलिस नहीं थी? ये सवाल पूछा गया एसपी चिन्वाय के द्वारा, जो कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के तरफ से बहस कर रहे थे। अब देखिए यहां पर जो चालाकी की गई इन लोगों के द्वारा, शिंदे गुट के द्वारा, कि मामला को ऐसे फंसा देंगे कि भीड़ आए, लोग इनसे कनेक्ट ना हो सके, अगर पूरी कोशिश रहे कि बीएमसी अनुमति इन लोगों को दे दे। लेकिन यहां पर आंख मूंद कर बीएमसी के लिए भी फैसला करना आसान नहीं था, क्योंकि मामला हाईकोर्ट जाना तो तय ही हो गया था जैसे ही ये लोग अर्जी पर कुंडली मारकर बैठने वाले थे। अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे को अनुमति दी है तो यह मान के चलिए कि वहां पर एक भव्य रैली का आयोजन होने जा रहा है। 2 से 6 अक्टूबर तक शिवाजी पार्क में दशहरा रैली का आयोजन होगा और वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना करेगी, जो हमेशा से करती आ रही है। दरअसल एकनाथ शिंदे गुट के जो विधायक हैं सदा सरवणकर, वो बॉम्बे हाईकोर्ट में अपनी दलील दे रहे थे, वो भी विचित्र टाइप की दलील कि शिवसेना किसकी है तय नहीं है, तो शिंदे गुट की सरकार है महाराष्ट्र में और अब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं है, और ऐसे में अब इस दलील को समझा जाए कि वहां पर शिवसेना ही हर साल आयोजन करती रही है, शिवसेना पर अभी इनका अधिकार माना जाए। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने बहुत ही आसानी से कह दिया कि इस पर सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे ही करेंगे, अनुमति उनको है, वो जाएंगे क्योंकि हर साल सालों साल करते आ रहे हैं तो वही करेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद एकनाथ शिंदे गुट के जो वकील थे जनक द्वारका दास, उनको कड़ा झटका लग गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट की फटकार के बाद बीएमसी को भी सोचना पड़ेगा कि सरकार के दबाव में काम करना है या जनता के लिए काम करना है, विकास के लिए काम करना है। आपको बता दें कि 1966 से ही यहां पर शिवाजी पार्क में दशहरा रैली का आयोजन होता रहा है और शिवसेना लगातार करती आ रही है। इसी को लेकर एसपी चुनाव जो उद्धव ठाकरे की तरफ से बहस कर रहे थे कोर्ट में, उनके गुट की तरफ से दशहरा रैली की अनुमति मांगने गए थे बॉम्बे हाई कोर्ट में, क्योंकि बीएमसी ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि इतने सालों से हम लोग कर रहे हैं और इस परंपरा को कायम रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। तमाम दलीलों को सुनते समझते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह फैसला किया कि उद्धव ठाकरे को ही यह जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। हालांकि यह भी कह दिया गया है कि कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े, इसकी जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे के गुट पर होगी और तमाम जो रैली जो वहां पे होंगे उसके वीडियो रिकॉर्डिंग कराए जाए। साथ ही साथ बीएमसी को कड़ी फटकार भी लगाई गई है। तो महाराष्ट्र में लगातार साजिश रचने वालों को एक बार फिर से करारा झटका लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे के पक्ष में फैसला सुनाकर भाजपाइयों के और शिंदे गुट के साजिशों का भंडाफोड़ भी कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।